हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दिल्ली के चांदनी चौक में। लाल किले से लेकर फतेहपुर मस्जिद तक जाने वाली चांदनी चौक की जो मुख्य सड़क है उस पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हेरिटेज वॉक के रूप में डेवलप किया गया है, यानी कि इस रोड पर अब ट्रैफिक की एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ केवल पैदल यात्रियों को ही जाने की अनुमति है या फिर कोई रिक्शा वगैरह यहाँ पर जा सकता है। कौमी एकता का ऐसा उदाहरण शायद ही पूरे भारतवर्ष में कहीं और देखने को मिले। 100 मीटर के दायरे के अंदर ही 6 धार्मिक स्थल हैं, वो भी विभिन्न अलग अलग धर्मों के। हिंदू धर्म का गौरीशंकर मंदिर, जैन धर्म का लाल मंदिर, मोती मस्जिद, शीशगंज गुरुद्वारा और एक चर्च, ये सभी इसी सड़क पर हैं बिल्कुल साथ साथ। और ये सभी धार्मिक स्थल काफी प्राचीन हैं, सबका अपना अलग अलग प्राचीन महत्व है। हम यहाँ पर गए थे संडे को, रविवार को। ऑफिशियली तौर पर संडे को चांदनी चौक मार्केट बंद रहती है, लेकिन जब हमने जाकर देखा तो ज्यादातर दुकानें खुली हुई थी, खासकर जो मुख्य सड़क पर थी। वैसे तो चांदनी चौक कपड़ों की होलसेल मार्केट के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी भी हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी। और ये है ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। यहाँ पर औरंगजेब ने श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी का वध कर दिया था, इसीलिए इसको शीशगंज गुरुद्वारा साहिब कहा जाता है। हालांकि उनके एक शिष्य उनके शीश को यहाँ से उठाकर आनंदपुर साहिब ले गए थे। इसी नाम का एक गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब पंजाब में भी है। यदि आप मेट्रो से चांदनी चौक जाना चाहते हैं तो येलो लाइन पर चांदनी चौक का अपना मेट्रो स्टेशन है। राजीव चौक और चांदनी चौक के बीच में केवल 2 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं।
हलवाई की इस दुकान के लेफ्ट साइड के अंदर पराठे वाली गली है, जो अपने पराठों के लिए काफ़ी फेमस है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।